أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अगर आपने पिछले टर्न का लेक्चर अटेंड किया हो और या फिर उसका रिवीजन किया हो तो आपको याद होगा कि पिछले टर्न पे हमने हज़रत हाशिम के बारे में, जो हुजूर के परदादा, उनका तज़किरा किया था और फिर उनके उनका जो रोल था क़ुरैश की इकोनॉमी को फ्लरिश कराने में और जो लाइफ लाइन थी अरब की और ट्रेड रूट्स थे अरब के, उसको डिज़ाइन करने में जो हाशिम का रोल था उसके बारे में हमने तफसीली स्टडी की थी। फिर सूरह क़ुरैश यानी सूरह लैलाफ क़ुरैश में जो रहलत शिताई व सैफ, जारे और गर्मी के सफ़र का तज़किरा है, उसके बारे में हमने तफसीली ज़िक्र जो है वो मैप के ज़रिए समझ लिया था। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि आप में से जिनका भी ऑडियो या वीडियो ऑन है वो अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ़ कर लें, उससे स्पीकर को बोलने में दिक्कत होती है, तो अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ़ रखें, इंशाल्लाह फिर सुनेंगे तो फ़ायदा होगा ज़्यादा। तो हाशिम के तस्करे पढ़ने के बाद हमने ये भी जाना था कि अब्दुल मुत्तलिब कौन थे। अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे थे और हुजूर के दादा हैं ये, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा तस्करा हमने पढ़ लिया था। हमने ये भी जाना था कि अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत कैसी चार्मिंग थी और यानी क़ुरैश के अंदर उनको जो इज़्ज़त का मुकाम हासिल था वो था ही, हाशिम के नस्बत से, हाशिम के बेटे होने की हैसियत से एक बाई डिफ़ॉल्ट लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर थी। अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र जब हम करते हैं तो उनके लाइफ के तीन मेजर इंसिडेंट का ज़रूर जिक्र करते हैं जो कि सीरत की स्टडी में बहुत रेलेवेंट हैं। और वो तीन मेजर इंसिडेंट कौन कौन से हैं? पहला, रीडिस्कवरी ऑफ जमजम, यानी जमजम जो था, जमजम के बारे में आपको याद होगा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या जमजम की नस्बत से है कि जब वो प्यासे थे तो अल्लाह ताला ने जो है जिब्राइल को हुक्म दिया था कि उस जगह वो कुआं खोदें और इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने वो जो कुआं जारी किया था। लेकिन जब कबीला जुरहम की हुकूमत रही मक्का के ऊपर और जब बनु खुजा ने जुरहम को डिफीट कर दिया जंग के अंदर और जुरहम जब भागने लगे अपने इलाकों को छोड़ के, तो उन्होंने जो है वो जमजम को छुपा दिया, यानी उस कुएं को इतना अंदर यानी दाब के रख दिया, इस तरह रख दिया कि 600 ईयर्स तक किसी को मालूम नहीं चल सका कि ये जमजम था कहाँ, है कहाँ। यहाँ तक के मामला हुआ कि अरब सोसाइटीज के अंदर से बिलउमूम जमजम का तज़किरा ख़त्म हो गया, जमजम के बारे में लोग नहीं जानते थे। तो ये एक मेजर इंसिडेंट हुआ कि रीडिस्कवरी हुई जमजम की अब्दुल मुत्तलिब के जरिए, यानी हुजूर के दादा के जरिए। तो इन वाकयात से हमें धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक हाशिम के जरिए कुरैश की ट्रेड लाइफ लाइन जो है वो बहुत फ्लरिश हुई, और फिर अब्दुल मुत्तलिब के जरिए तीन मेजर इंसिडेंट हुए अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में, स्पेशली जमजम की डिस्कवरी और सील वाला इंसिडेंट जो है, एलिफेंट्स वाला इंसिडेंट, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, एक इशारा कर रही थी कि इस खानवादे के अंदर, इस ख़ानदान के अंदर अनकरीब कोई बड़ी बात होने वाली है, ठीक है, क्योंकि सुपर नेचुरल वाकयात जो होते हैं वो अपने आप में किसी बड़े वाक़े के लिए यूं समझ लीजिए कि पेश खेमे की हैसियत रखते हैं, है ना। तो उसमें से एक मेजर वाक़ा है रीडिस्कवरी ऑफ जमजम। तो जमजम की रीडिस्कवरी अब्दुल मुत्तलिब के जरिए हुई, कैसे हुई वो वाक़ा अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी का है वो ये कि उन्होंने अपने सामने आपके लिखा हुआ स्टोरी ऑफ वो टू सेक्रीफाइस हिज सन, अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी थी, वो मन्नत क्यों मानी थी, कैसे मानी थी, किस वजह से मानी थी, उसकी भी स्टडी हम तभी कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब हम रीडिस्कवरी ऑफ जमजम के स्टोरी को पढ़ेंगे। तो वो मन्नत ये मानी थी कि अगर अल्लाह मेरा तू फला काम करा देगा तो मैं अपने सबसे छोटे बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये अमल इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ये वो दौर था जब यानी यूं समझ लीजिए कि वो इस्लामी दावत जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी तकरीबन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन जो है वो रसूमात की हद तक तो था लेकिन तालीमात की हद तक नहीं था। तो बहरहाल उन्होंने एक मन्नत मानी थी अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से कि मेरा सबसे छोटा बेटा जो होगा मैं उसको तेरी राह में कुर्बान करूंगा ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरे फलां काम को करवा दिया तो। अब वो फलां काम कौन सा था उस पर हम इंशाल्लाह आएंगे। तीसरी स्टोरी जो अब्दुल मुत्तलिब की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप सामने देखें, स्टोरी ऑफ फील। फील कहते हैं अरबी जबान में हाथी, स्टोरी ऑफ एलिफेंट्स, है ना। और ये जो स्टोरी है इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह
अलम तरह कई फ़ाइल रब कभी असहाबिल फील, सूरह फील नाम से सूरह है जो आप कुरान के अंदर और नमाज के अंदर मुसलसल पढ़ते हैं अपनी नमाजों के अंदर, तो उसकी भी तफसीर आज हम यहाँ आपके सामने रखेंगे जब हम ये इंसिडेंट पे पहुंचेंगे। तो इसमें किसी एक बहुत ही सुपर नेचुरल इंसिडेंट का जिक्र है जो अब्दुल मुत्तलिब की लाइफ में हुई है, और उसका हम इंशाल्लाह तफसीली स्टडी यहाँ करेंगे। तो ये तीन मेजर इंसिडेंट होते हैं, तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन करके ये स्टडी करेंगे, एंड वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू दी बर्थ एंड लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रीडिस्कवरी ऑफ जमनम। इसके ताल्लुक से इब्ने इसहाक में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं, एक रिवायत मौजूद है जिसमें पूरी स्टोरी मौजूद है, काफी तफसीली लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में आपके सामने उसका जो क्रक्स है, जीस्ट है, वो आपके सामने रखूंगा। तो इब्ने इसहाक के बारे में मैंने बता रखा है कि सीरत के ओरिजिनल सोर्सेज में, बहुत पुराने सोर्सेज में सबसे ज्यादा जामे और वसी और डिटेल्ड सोर्स जो है वो इब्ने इसहाक है, सर्वाइविंग सोर्स। तो इब्ने इसहाक में हजरत अली से एक रिवायत करता एक वाकया मिलता है जिसमें हजरत अली ने फरमाया कि रीडिस्कवरी ऑफ जमजम, यानी जमजम की दोबारा खोज कैसे हुई, उसके बारे में फरमाते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब एक दिन जो है वो काबे के अंदर सो रहे थे, हरम शरीफ में सो रहे थे। जब वो सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक कोई हस्ती है, कोई नूरानी हस्ती अब्दुल मुत्तलिब के सामने आती है और अब्दुल मुत्तलिब से कहती है कि तिबा खोजो, तिबा तिबा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि ये तिबा क्या है, तो वो जो हस्ती होती है नूरानी हस्ती वो गायब हो जाती है। अब्दुल मुत्तलिब को समझ में नहीं आती बात कि ये मेरे सामने जो कोई जो भी हस्ती मेरे सामने आई थी मेरे ख्वाब के अंदर, उसने मुझे तिबा को खोदने का हुक्म दिया है, खोजने का हुक्म दिया, डिग करने का हुक्म दिया। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब को बात समझ में नहीं आई, वो अगले दिन फिर दिन के वक्त जो है वो हरम शरीफ में सो रहे थे, तो फिर वही हस्ती जो है अब्दुल मुत्तलिब के सामने ख्वाब में आती है और कहती है कि बर्रा बर्रा को डिग करो, खोदो, जैसे कुआं को खोदना कहा जाता है ना, उसी तरह कहा उस नूरानी हस्ती ने कहा कि बर्रा को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा ये बर्रा क्या होता है, तो वो हस्ती फिर गायब हो गई। तीसरे दिन जो है वो फिर अब्दुल मुत्तलिब ने सेम मुकाम पे सोए हुए थे हरम के अंदर। अब जाहिर है कि इनके अंदर एक थोड़ी परेशानी पैदा हो गई कि आखिर मैं मुसलसल एक तरह का ख्वाब क्यों देख रहा हूँ। तीसरे दिन जब अब्दुल मुत्तलिब सोए हुए थे, अब ये हुजूर की पैदाइश से पहले का वाकया है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हुजूर की पैदाइश का जिक्र अभी हमने नहीं किया है और हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। तो ये सोए हुए थे तीसरे दिन, तो फिर वही हस्ती जो है अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में आती है और कहती है कि कहता है कि अलमदनूना अलमदनूना खोदो। तो अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये अलमदनूना क्या है। अब ये सारे अरबी वर्ड हैं लेकिन इनके मतलब जो है वो अब्दुल मुत्तलिब को मालूम नहीं है, अब कहने वाले से ने इससे क्या मुराद दिया है वो भी मालूम नहीं, तो वो हस्ती फिर गायब हो जाती है। अब अब्दुल मुत्तलिब की परेशानी बढ़ गई। चौथे दिन उन्होंने फिर एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में कहा जा रहा था कि जमजम को खोदो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि ये जमजम की पहचान क्या है और जमजम होता क्या है, तो उस हस्ती ने, उस नूरानी वजूद ने कहा कि ये वो कुआं है, ये वो पानी का सोर्स है जो कभी सूख नहीं सकता, और ये वो पानी का सोर्स है जो आने वाले हाजियों को मुसलसल पानी इसके जरिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुई कि आखिर ऐसा, यानी रेगिस्तान में रहने वालों के लिए ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसा वाटर सोर्स पता चल जाए जिससे न सिर्फ ये कि उनकी प्यास बुझेगी बल्कि आने वाले तमाम हाजियों की पानी की जरूरियात पूरी हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात थी, अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर यानी कि निशानी पूछी कि आखिर कौन सा मुकाम है जहाँ पे ये मुझे खोदना है जमजम। तो फिर वो उस वजूद ने, उस हस्ती ने बता चंद डिस्क्रिप्शन दिया जो आपके सामने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन जानने की जरूरत नहीं, मैंने सामने इसलिए लिख दिया ताकि किसी शख्स को इंटरेस्ट हो तो पढ़ ले। इट लाइज बिटवीन डंग एंड ब्लड नियर द नेस्ट ऑफ अ क्रो विद अ वाइट लेग एंड एंट्स नेस्ट। ये चंद पहचान बताई कि जो चींटियों का, जो चींटियां जो नेस्ट बनाती हैं अपना उसके, और एक ऐसा ऐसा क्रो जिसके जिसके लेग्स जो हैं वो वाइट होंगे, उनके दरमियान एक जगह है। अब अब्दुल मुत्तलिब को चंद निशानियां बताई गई कि इन निशानियों को खोजते रहिए काबे के आसपास, और वो निशानियां आपको जहां मिल जाएं वो मुकाम होगा जहां जमजम दबा हुआ है। अब जाहिर है कि इस चीज का इल्म किसी को नहीं था, इस चीज का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में दिया गया। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला बाज हकीकतों को अल्लाह अपने बाज बंदों पे खोल सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है।
लेकिन ख्वाब के जरिए हकीकतों को खोलने का मतलब ये नहीं है कि दीन में कोई इजाफा हो सकता है ख्वाब के जरिए, दीन में कोई इजाफा नहीं होगा। इस पे मजीद हम डिस्कशन आगे करेंगे जब ख्वाब के बारे में मजीद स्टडी करेंगे आगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला बाद ऐसी हकीकतों को अपने बंदों को बताता है जो हकीकतें दूसरे बंदों को नहीं मालूम होती, ठीक है, लेकिन ये वो हकीकतें होती हैं, ये वो इंफॉर्मेशन होती हैं जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन से है, जिनका ताल्लुक बशारत से है, इनका ताल्लुक शरीयत से नहीं होता, कानून से नहीं होता, दीनी मामलात के साथ नहीं होता। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला किसी सच्चे ख्वाब को किसी मोमिन को ही दिखाए, बल्कि गैर मोमिन को भी सच्चा ख्वाब आ सकता है। जैसा कि हम सूरह यूसुफ में पढ़ते हैं कि वहां का जो बादशाह होता है वो जाहिर है मुशरिक बादशाह था, मिस्र का बादशाह जो था मुशरिक था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर, लेकिन उसने ख्वाब देखा था और सच्चा ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की थी। आप सूरह यूसुफ आप में से जिन लोगों ने पढ़ी है वो जानते हैं इस बात को। उसी तरह अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये ख्वाब देखा है तो जाहिर है कि वो मुसलमान नहीं थे, वो ईमान वाले नहीं थे, वो उन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे जो अरब में राइज थे। इसके बावजूद जो है सच्चा ख्वाब एक गैर मोमिन को, एक मुशरिक को भी आ सकता है अगर अल्लाह चाहे तो, अगर अल्लाह की मसलहत में ये बात हो और अल्लाह के इल्म में ग्रेटर गुड के लिए जरूरी हो तो अल्लाह ऐसा कर सकता है, ठीक है। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये ख्वाब समझ लिया और इसकी पूरी हकीकत को जान लिया तो ये डिगिंग का काम जो है, कुएं खोदने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। अभी तक मैं समझता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वक्त जब अब्दुल मुत्तलिब ने ये मामला किया है और जब ये काम शुरू किया है तो इस वक्त ये उस वक्त का वाकया है जब अब्दुल मुत्तलिब के पास सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम हारिस था। यानी अरब में एक बेटा यानी बेटों की तादाद जितनी ज्यादा होती है, आमतौर पर वैसे हर जगह ये ट्रू है लेकिन कबायली स्ट्रक्चर जहाँ होता है सोसाइटी का, वहाँ बेटों की तादाद ज्यादा होना मजबूती की अलामत होती है, ठीक है। और फिर हम अरब के कल्चर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करके आए हैं कि किस तरह जो है बेटों की तादाद को एक एक एलिमेंट ऑफ फख्र समझा जाता था, ठीक है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के पास डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट नोबल एंड द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑन इन दैट सोसाइटी, इनके इनको सिर्फ एक ही औलाद थी हारिस नाम से, और बेटे जो हैं वो उस सोसाइटी में मजबूती की अलामत माने जाते थे। वैसे हर सोसाइटी में होता ही है लेकिन खुसूसन अरब के अंदर ये चीज एक्सट्रीमली एग्जैजरेटेड थी। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये डिगिंग का काम शुरू कर दिया और अल्लाह ताला को मंजूर था, अल्लाह ने सही रास्ता जो है वो उनको दिखा दिया था, तो जब जमजम का कुआं जाहिर होने लगा और अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा, जब वो डिग कर रहे थे, बल्कि इब्न इसहाक में बहुत तफसीली वाक्य है, मैंने आपके सामने वाक्य बयान नहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बयान कर दे रहा हूँ, इब्न इसहाक में लिखा हुआ है कि जब वो डिगिंग कर रहे थे, जब वो कुआं खोद रहे थे तो एक मुकाम ऐसा है जब पानी के फव्वारे जो है उठने लगे अंदर से, और आप इमेजिन कर लीजिए कि रेगिस्तान में कितनी बड़ी बात है। तो जब ये होने लगा तो अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत जोर से कहा अल्लाहु अकबर, बहुत जोर से कहा अल्लाहु अकबर। जब उन्होंने ये बात कही उनकी आवाज जाहिर है कि बहुत, मैं पहले बता चुका हूँ कि शख्सियत और किरदार और पर्सनैलिटी बड़ी मजबूत किस्म की थी, आवाज बहुत बुलंद थी, जिस्म बहुत मस्कुलर था अब्दुल मुत्तलिब का, देखने में उनकी पर्सनैलिटी में एक ऑरा था। तो जब उन्होंने इतनी जोरदार आवाज में अल्लाहु अकबर कहा है तो कुरैश की जो मजलिसें थी, जो दारुल नदवा था कुरैश का जहां वो बैठा करते थे हरम में, वहां तक आवाज चली गई। तो कुरैश ने समझा कोई बड़ी बात हो गई है, कोई बड़ा मामला हो गया है जिसकी वजह से अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी जोर से जो है वो तकबीर कही। तो भागे भागे वो जब आए हैं अब्दुल मुत्तलिब के पास तो देखा कि पानी के फव्वारे जो हैं वो अब्दुल मुत्तलिब के सामने से उठ रहे हैं और जमजम जो है वो अब्दुल मुत्तलिब ने खोद के निकाल लिया। बहरहाल ये मामला हुआ, खुशी की बात थी लेकिन खुशी जो है ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इस तरह की जब भी जिस भी सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वहां अगर रिसोर्सेज डिस्कवर होते हैं तो फिर उन रिसोर्सेज की ओनरशिप पर डिस्प्यूट हो जाता है। ये हर जगह ट्रू है। अगर आप मिसाल के तौर पे इस छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि कोई इलाका है जिसमें बाढ़ आई हुई है, ठीक है, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाके वहां खानों को गिराएंगे तो लोग तो बड़े खुश होंगे इनिशियली, लेकिन फिर उन खानों को कलेक्ट करने में, उनकी ओनरशिप में, उनको हासिल करने में आपस में लोगों के दरमियान जो है वो झगड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल फितरी बात होती है। वेयर एवर देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, प्रेजेंस ऑफ रिसोर्स ऑल्सो क्रिएट सम डिस्प्यूट, ठीक है। तो जब जमजम डिस्कवर हो गया तो खुश तो हुए सब लोग, लेकिन फिर ये अब इस बात पर झगड़ा हो गया अब्दुल मुत्तलिब से। कुरैश ने कहा कि हम सब जो है वो इस्माइल की औलाद है और ये जमजम दर हकीकत इस्माइल के लिए अल्लाह ताला ने जाहिर किया था, और चूंकि हम सब इस्माइल की औलाद हैं तो इस पे हम सब का बराबर का हक है। आप समझ पा रहे हैं कुरैश ने क्या कहा। इस पे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, इस पे सिर्फ मेरा हक है और मेरी फैमिली का हक है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से डिस्कवर करवाया है। अब्दुल मुत्तलिब की बात बिल्कुल सही थी अपनी जगह, क्योंकि कुरैश
औलाद इस्माइल होने की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लेकिन ओनरशिप के लिए औलाद इस्माइल का होना जरूरी नहीं था सिर्फ, बल्कि ओनरशिप के लिए जरूरी था कि अल्लाह ने ये चीज की डिस्कवरी किसके जरिए करवाई, है ना। तो ये डिस्कवरी अल्लाह ने जो है अब्दुल मुत्तलिब के जरिए करवाई, रीडिस्कवरी ऑफ जमजम। तो अब्दुल मुत्तलिब ये क्लेम कर रहे थे कि इस पे सिर्फ मेरी फैमिली वालों का हक, कुरैश ने कहा कि नहीं इस पे तो यानी हम सब का बराबरी का हक। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब जब ओनरशिप क्लेम कर रहे थे तो ही वॉज नॉट सेइंग कि इससे सिर्फ मैं पानी पीऊंगा, ही वॉज सेइंग कि इससे मैं पीऊंगा, हमारी फैमिली वाले पियेंगे और हम सबको पिलाएंगे, लेकिन इसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो होगी ना, इसकी एक्चुअल ओनरशिप जो होगी ना, वो मेरी फैमिली में रहेगी। और कुरैश इस बात से डिस्प्यूट कर रहे थे, तो ये झगड़ा काफी बढ़ गया, ये काफी मामला आगे बढ़ गया। अगरचे अब्दुल मुत्तलिब वॉज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, बट मैं पहले बता चुका हूँ कि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से ये झगड़े हो जाते हैं इस तरह से, मतलब जहां भी स्कार्सिटीज होती। तो झगड़ा इस मुकाम तक पहुंच गया कि अब्दुल मुत्तलिब डिस्पाइट हैविंग द ऑरा इन हिज पर्सनैलिटी, और यानी उनके जो दमदार शख्सियत, इसके बावजूद वो इस बात पे केपेबल नहीं हो पाए कि कुरैश को कन्विंस कर सकें। तो अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा अफसोस हुआ इस बात से, उन्होंने मतलब दिल ही दिल में मन्नत मानी अल्लाह ताला से कि अल्लाह आकाश मेरे पास एक बेटा नहीं होता, 10 बेटे होते। जाहिर अब 10 बेटे अब्दुल मुत्तलिब के होते, सब उस अब्दुल मुत्तलिब के डिफेंस में खड़े हो जाते, तो फिर कुरैश की इतनी मजाल नहीं थी कि वो जो है वो ये कह सकें कि आप को ओनरशिप का हक नहीं है। जी, इफ अब्दुल मुत्तलिब वाज आइडल वर्शिपर देन हाउ डिड ही से अल्लाहु अकबर। मैं, अगर आपने शुरू से लेक्चर अटेंड किया हो तो आप इस बात को जानते होंगे कि अरब जो हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बिलउमूम औलाद थे, और अल्लाह का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ था। ऐसा नहीं है कि वो आइडल वर्शिपर थे तो अल्लाह को नहीं मानते थे। तो बहुत तफसीली कलाम हमने पहले किया है कि वो अल्लाह को तो मानते ही थे, अल्लाह के शरीक ठहराते थे बुतों को। हुबल को मानते थे कि अल्लाह का शरीक है, लात को मानते थे कि अल्लाह का पार्टनर है, उज्जा को मानते थे कि अल्लाह ने इनको कुव्वत दे रखी। तो ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह को तस्लीम नहीं करते थे, वो इस बात को मानते थे कि अल्लाह है असल हकीकी रब जो है वो अल्लाह है, और ये लात मनात उज्जा और हुबल का भी रब अल्लाह है, लेकिन वो पार्टनर एसोसिएट करते थे अल्लाह को। शिर्क का मतलब ये होता है कि दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ अल्लाह और अथॉरिटी ऑफ अ सिंगल गॉड, एंड देन दे एट्रीब्यूट एसोसिएट पार्टनर्स विद दैट अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अल्लाह वर्ड जो है वो अरब में तो कॉमन था, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से वो वर्ड चला आ रहा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा था। और बल्कि मैं बता चुका हूँ कि जुर्हुम कबीले के बारे में जब हमने तफसीली स्टडी की थी तो 2000 साल तक उनकी हुकूमत थी, और 1000 बुराइयां उस जमाने में पैदा हो गई हूँ, लेकिन शिर्क पैदा नहीं हुआ था। शिर्क आया है जब बनू खुजा की हुकूमत मक्के पे कायम हुई, ठीक है। अगर आप पुराने लेक्चर रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अल्लाह के वजूद का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ बिल्कुल वाजा था। ये अलग बात है कि वो शिर्क करते थे, आइडल वर्शिपर्स थे, है ना, और अल्लाह की सिफात को, अल्लाह की कैरेक्टरिस्टिक्स को उस तरह नहीं मानते थे जिस तरह इस्लाम पेश करता है, जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम दावत देते आए हैं, या जिस तरह इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत थी, वो उसको भुला बैठे थे, लेकिन वजूद अल्लाह के कायल थे वो। तो अब्दुल मुत्तलिब को इस वक्त बड़ा अफसोस हुआ ऐसे मौके पे, इस डिस्प्यूट के मौके पे। उन्होंने कहा कि अल्लाह अगर मेरे 10 बेटे हो जाएं, है ना, या अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे दे देगा और इनके जरिए मुझे कुव्वत बख्शेगा, तो मैं अपने सबसे छोटे बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा, तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा। अब जाहिर इस किस्म की मिन्नत मानने का जो तसव्वुर है वो इस्लाम में नहीं है। मन्नत मानना बुरा नहीं है अपने आप में, जैसे कि बुखारी की हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर वगैरह से रवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत मौजूद है सही बुखारी के अंदर। तो उसका जीस्ट यह है कि मन्नत मानना जायज है अगर नेक काम के लिए हो। मिसाल के तौर पे आप ये मन्नत मानते हैं कि अल्लाह ताला अगर मैं फला एग्जाम में तेरे फजलो करम से पास हो जाता हूँ तो मैं 2 रोजे रखूंगा, है ना, या मैं जो है 500 रुपए सदका करूंगा। दिस इज ऑल राइट, मतलब दिस इज जायज इन इस्लाम, बट मन्नत किसी गलत काम की नहीं मान सकते। अब जाहिर है कि ये अपने बेटे को कुर्बान करना, अपने बेटे को जबह करना, ये कोई जायज काम नहीं है, है ना। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे तैयार हो गए थे, तो उनको अल्लाह ने बराह रास्त हुक्म दिया था इम्तिहान के लिए, वो एक अलग मामला है, लेकिन एक आम इंसान के लिए जायज़ नहीं कि वो ऐसी मन्नत माने कि मैं ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को ज़बह करूंगा या अपने बच्चे को कुर्बान करूंगा। इस किस्म की जो है इजाज़त इस्लाम में नहीं है, लेकिन ये वो दौर नहीं है जब इस्लाम जो है वो अपनी शरीयत के साथ बतमाम कमाल सोसाइटी के अंदर मौजूद था, नहीं था, अभी हुज़ूर की बहसत भी नहीं हुई, हुज़ूर पैदा भी नहीं हुए, ठीक है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मानी कि अगर अल्लाह मेरे 10 बेटे हो जाएँ तो मैं अपने सबसे जो महबूब बेटा होगा या अपने एक बेटे को आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये मन्नत आप याद रखें, ठीक है। इसके सही और गलत पे बहस अभी हम नहीं कर रहे हैं, हमने बता दिया है कि ये गलत है, लेकिन उस जमाने में ये चीज राइज थी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं।
अब अब्दुल मुत्तलिब की ये मन्नत याद रखेंगे। अब हम वापस उस डिस्प्यूट पे आते हैं जो अब्दुल मुत्तलिब की कुरैश से हो गई। अब कुरैश और अब्दुल मुत्तलिब में डिस्प्यूट जब नहीं रिजॉल्व हुई तो इन्होंने कहा कि चलिए अब हम फैसला कैसे करें। तो बात तय हुई कि सीरिया के अंदर बिलाद शाम में एक यानी कि एक हम काहिन के पास जाएंगे, एक एक बहुत रिलीजियस लीडर था सीरिया के अंदर, मशहूर था उस वक्त। तो इन लोगों ने आपस में तय किया कि हम उसके पास जाएंगे और उससे फैसला करवाएंगे। ठीक है भाई, ये बात तय हो गई कि ये सारे इश्यूज को लेके हम उसके पास जाएंगे और जो वो फैसला कर देगा वो हम मान लेंगे। इस डिस्प्यूट के फैसले के लिए पूरा का पूरा कुरैश के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के साथ और ये पूरा का पूरा जो है वो कारवान जो है वो बिलाद शाम की तरफ, सीरिया की तरफ रवाना हो गया। रास्ता में मामला ये हो गया कि बहुत तेज आंधी तूफान आ गए और ये लोग अपने रास्ते भूल गए, भटक गया। रेगिस्तानी सफरों में ऐसा होता है कई दफा। फिर मामला ये हुआ कि इनके तमाम पानी खत्म हो गए, तमाम खाना खत्म हो गया और ये अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सके आंधी तूफान की वजह से। और फिर अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा करता है तो पूरा करता है उसे, फिर उसके लिए वसाइल को ताबे कर देता है। तो तूफान और आंधी तूफान का मामला ऐसा हो गया और पानी की किल्लत का मामला ऐसा हो गया, खाने के खत्म हो जाने का मामला ऐसा हो गया कि कुरैश और अब्दुल मुत्तलिब ये सब के सब जो है नाउमीद हो गए कि अब हम ना शाम पहुंच सकते हैं ना वापस मक्का जा सकते हैं। तो ये बीच में मुअल्लक होकर रह गए, बीच में अटक के रह गए और इनके पास कुछ भी प्रोविजन नहीं बचा रास्ते का, ना पानी बचा ना खाना बचा। अच्छा, ये पानी और खाना एस्टिमेट करके तो ले गए थे लेकिन चूंकि आंधी तूफान की वजह से, रास्ता भटक जाने की वजह से और इस किस्म की रास्ते में परेशानियों की वजह से क्या हुआ कि वो ज्यादा वक्त लग गया तो सारी चीजें कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई एक एक करके। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो यहां तक मामला हो गया, जैसा कि इब्ने इसहाक और इब्ने हिशाम दोनों में मौजूद ये वाकया है काफी तफसील के साथ। तो मामला ये हो गया कि अब कुरैश और अब्दुल मुत्तलिब ने सोच लिया कि अब हमारी मौत आ चुकी है, अब हम बचने वाले नहीं है। तो अब इन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो हम लोग यहाँ गिर पड़ के मर जाएंगे, हमारी लाशों को कोई वो जो है वो देखने वाला नहीं होगा, कुत्ते और खिंजीर खा जाएंगे, है ना, ये बहुत बेहुरमती होगी हमारी। तो इन सब ने तय किया कि सब इंसान, तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी कब्र खोद के उसमें लेट जाए। ये वाकया हकीकतन ऐसा हुआ है, इतने नाउमीद हो गए थे और इतनी ज्यादा सीवियरिटी हो गई थी रास्ते की। तो ये सारे के सारे कुरैश के सरदार जो भी साथ में थे, अब्दुल मुत्तलिब उनके बेटे वगैरह, ये सब जो है वो अपनी अपनी कब्रें खोद के उसमें के अंदर लेट गए क्योंकि इनको मालूम था कि अगर यानी हमारी मौत आ जाएगी तो कोई हमें दफनाने वाला भी नहीं होगा। तो ये मामला हुआ, ये इसी सूरत में थे कि अब्दुल मुत्तलिब के दिल में अल्लाह ताला ने ख्याल डाला। अब्दुल मुत्तलिब उठे और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस तरह हार मान जाए, हम अरब हैं और हम हमेशा से जो है वो इस किस्म की मशक्क़त और परेशानी में मुब्तिला रहे हैं और ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम इस डिस्प्यूट की वजह से और इस झगड़े की वजह से जो है वो शाम जा रहे हैं फैसला करवाने और इस झगड़े की वजह से अपनी जानें दे रहे हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश से कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे और जो है वो जहां तक सफर हो सकेगा करेंगे, इस तरह कब्रों में बैठ के अपनी मौत को कबूल इतनी आसानी से नहीं करेंगे। बड़े हिम्मत वाले थे, आप जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब के बारे में। और मैं बता चुका हूँ कि हुजूर के खानवादे से जितने भी लोग रहे हैं, अगरचे वो उनमें यानी जो उस जमाने में राइज दीन था उसी पे थे वो लोग, लेकिन उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज ऐसी थी जो उनको मुमताज करती थी आम लोगों से। ठीक है, जैसे हाशिम के बारे में मैंने बताया कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड जीनियस एंड प्रैक्टिकल पर्सन। उसे इब्ने किलाब के बारे में हम वाकई पढ़ चुके हैं, फिर ये अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत है, इनका और है, ये तो बात हो ही चुकी है। तो बहरहाल ये मामला हुआ, ये कुरैश को किसी तरह तैयार किया। अब अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपना ऊंट उठाया है अपनी जगह से तो वहां उस यानी उस रेगिस्तान में, तपते रेगिस्तान में जो कि ना मक्का में है ना शाम में, बीच में किसी इलाके में, जब अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट उठाया तो ऊंट के अंदर से जो जब जिस मुकाम पर से उठा है वहां पर की जमीन के अंदर से जो है पानी उबल उबल के बाहर आने लगा। ये भी अल्लाह की तरफ से निशानी थी, मुआजजा था, है ना, अल्लाह ताला जो है वो यानी इशारा कर रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब जो है कोई खास शख्सियत है, है ना, या कम से कम इनके खानदान में कुछ ऐसी बात होने वाली है और कोई खास वाकया होने वाला है। जब कुरैश ने ये देखा कि अब्दुल मुत्तलिब की इस तरह नुसरत हो रही है, अल्लाह ताला ने इनके ऊंट के नीचे से पानी को जाहिर कर दिया, फिर जो है जमजम को इनके जरिए से जाहिर किया, और भी बहुत सारे वाकयात हो चुके थे अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी, तो कुरैश ने वहीं पहद कर लिया कि अब्दुल मुत्तलिब आपको अल्लाह ताला ने हम पे फजीलत दी है, लिहाजा हम आपको अपना जो है वो सरदार तस्लीम करते हैं और आपको जमजम का ओनर डिक्लेयर करते हैं। अब ये सारी मुसीबतें जरूरी थी कुरैश के लिए, अल्लाह ने जानबूझ के उनको इस मुसीबत में डाला ताकि उनको समझ में आ जाए कि अब्दुल मुत्तलिब को फजीलत अल्लाह ताला ने दी है दुनियावी एतबार से उन तमाम लोगों पे जो कुरैश के अंदर थे। लिहाजा कुरैश ने नियर यूनानिमसली अब्दुल मुत्तलिब को अपना लीडर तस्लीम कर लिया और अब्दुल मुत्तलिब के जमजम के ओनरशिप पे वो राजी हो गया। तो जमजम के बारे में आप हदीस आपके सामने एक लिखी हुई है, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू जर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का जो मजा है वो सबसे सुप्रीम, सबसे आला है
और इसमें बीमारियों से शफा है। यही वजह है कि जब हाजी जाते हैं तो वहां से जमजम लेके आते हैं, और जमजम जो है वो जमजम के बारे में सुन्नत ये है कि खड़े होके पीना चाहिए। तमाम पानियों यानी जो घर में आप पानी पीते हैं उसके बारे में सुन्नत है कि उसे बैठ के पिया जाए, लेकिन जमजम के बारे में सुन्नत ये है कि उसे खड़े होके पिया जाए। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जमजम पीते वक्त जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल हो जाती है, ठीक है। और एक हदीस मौजूद है इब्ने हंबल रहिमुल्लाह मुस्नद अहमद में इस हदीस को नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी हर उस चीज के लिए है जिस नियत से इसे पिया जाए। यानी कोई शख्स अगर इस नियत से पिए कि अल्लाह मेरी जहनी सलाहियतों में इजाफा हो जाए तो अल्लाह ताला इस पानी के जरिए उसके जहनी सलाहियतों में इजाफा कर देगा। कोई इस नियत से पिए कि अल्लाह मेरी बीमारियों में शफा हो जाए तो उसको बीमारियों से शफा हासिल हो जाएगा। कोई इस नियत से पिए कि अल्लाह ताला मुझे माल में बरकत हो जाए, है ना, तो धीरे धीरे अल्लाह ताला उसके माल में बरकत कर देगा। शर्त यह है कि हलाल चीज की दुआ हो, हलाल चीज की नियत हो, दूसरी ये कि यकीन के साथ हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ऐसा होकर रहेगा, चाहे वो हमारी अकलों में आए या ना आए। तो इस यकीन के साथ अगर पिया जाए तो जमजम का पानी जो है वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हर उस चीज के लिए है जिस नियत से पिया जाए। तो ये जमजम के चंद फजाइल आपके सामने आ गए, जमजम का वाक्य आपके सामने आ गया, अब्दुल मुत्तलिब की ओनरशिप जमजम की आपके सामने आ गई, मिरेकल्स जो अब्दुल मुत्तलिब के जिंदगी में अल्लाह ताला ने जमजम के कॉन्टेक्स्ट में दिखाए वो भी आपके सामने आ गए। तो ये पूरा वाकया था। इस वाकये में जो मन्नत मानी है अब्दुल मुत्तलिब ने वो आपको जहन में होनी चाहिए। तो ये जमजम की रीडिस्कवरी का वाकया मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया। अब अब्दुल मुत्तलिब वापस मक्का आते हैं ये लोग, वो पानी जमा करके जो वहां से जाहिर हो गया था बीच रेगिस्तान में से, और मक्का जब आते हैं तो अब्दुल मुत्तलिब ने प्रॉपर जमजम को बिल्ड किया सही से, और जमजम यानी यूं समझ लीजिए कि दोबारा से एक जमजम सोर्स ऑफ वाटर बन गया हाजियों के लिए, कुरैश के लोगों के लिए, अरब के दूसरे कबाइल के लोग भी आके जमजम का पानी ले जाते थे शफा के। तो ये सारे मामलात हुए। अब ये वाकया रीडिस्कवरी ऑफ जमजम का वाकया खत्म हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। अब्दुल मुत्तलिब को फिर अल्लाह ताला ने बरकत दी उनकी औलादों में, और उनकी जो है 10वीं औलाद जो हो गई, 10 औलादें हो गई अब्दुल मुत्तलिब की, और सबसे छोटे औलाद उस वक्त, याद रखिएगा मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सबसे छोटी औलाद, सबसे छोटे बेटे का नाम था अब्दुल्लाह। ये अब्दुल्लाह वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। तो इनके जो सबसे छोटे बेटे थे अब्दुल्लाह, जब ये 10वें बेटे हो गए और वो भी जवान हो गए, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अब मेरे उस मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया है जो मैंने अल्लाह से की थी कि मेरे अगर 10 बेटे हो जाते हैं और वो मजबूती से मुझे कुव्वत बख्शने के लिए तैयार हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो किसी एक को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। ये वो मौका है जब अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को जमा किया। जाहिर है कुरैश के नजदीक अब्दुल मुत्तलिब की एक पोजीशन हो चुकी थी, और कुरैश ने अपने तमाम यानी अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को जमा किया, और फिर उन सबको जमा करने के बाद ये कहा कि अब जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि हम अपने किस बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। तो अरब में क्या है कि वो कभी कभी रैंडम फैसले करने के लिए ना वो तीर के जरिए वो करते थे, सबका नाम चेक पे लिख देते थे और तीर चलाते थे, जिस पे भी तीर लगती थी उसके जरिए जो है वो फैसला करते थे कि ये वाला काम करना है, यानी इस शख्स को। तो 10 बेटों के नाम लिख दिए गए और तीर चलाए गए तो उसमें जो है अब्दुल्ला का नाम आ गया। अब्दुल्ला सबसे छोटे हैं अभी इस वक्त। बाद में अब्दुल मुत्तलिब के दो या तीन और बेटे, बाज़ रवायतों के मुताबिक 13 बेटे हो जाएंगे टोटल, और बाज़ के मुताबिक 12। तो अब्दुल मुत्तलिब के टोटल 12 बेटे थे, और दो बेटे और बाद में पैदा होंगे जिनका आगे हम तज़किरा पढ़ेंगे, वो हजरत अब्बास हैं और हजरत हमजा हैं, ठीक है। ये दोनों अब्दुल्ला से छोटे थे, लेकिन इस वक्त जिस वक्त का मैं ये वाकया बयान कर रहा हूँ, इस वक्त सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला ही थे, उन्हीं का नाम आ गया। अब जाहिर है कि अब्दुल्ला हुजूर के वालिद होने वाले थे, तो उनके शख्सियत में एक दूसरे किस्म की शगुफ्तगी और नरमी और किरदार में एक वसात थी, और तमाम भाई जो हैं अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा मानते थे, खुद अब्दुल मुत्तलिब भी सबसे ज्यादा अब्दुल्ला को ही मानते थे। तो अब भाइयों ने कहा कि नहीं, ये चीज़ जो है वो सही नहीं है, मतलब आप जो है किसी और को वो कीजिए, किसी और को दोबारा तीर कीजिए और फिर देखिए किसी और का नाम आता है। तो तीन बार ये काम किया गया और तीनों बार जो है अब्दुल्ला का नाम आ गया। अल्लाह ताला को मंजूर था ऐसा करवाना, तो बहरहाल अब्दुल्ला का नाम आ गया। अब कुरैश का पूरा मजमा था, अब्दुल मुत्तलिब ने जो है वो अपनी यानी आप देखते हैं कि अरब जो हैं वो भले बहुत गलत काम करने जा रहे थे लेकिन अपने इरादों में पुख्ता थे। तो एक ये कोई आसान काम नहीं था कि अपने यानी गलत था लेकिन अपने इरादों में पुख्तगी आप देखिए उनकी कि यानी अगर अल्लाह से अहद किया है तो उसको पूरा करने जा रहे थे अपने बेटे की कुर्बानी के जरिए। बहुत बड़ी बात है, स्पेशली वो मुशरिक होके ये बहुत बड़ी बात थी।
तो बहरहाल जब वो करने लगे तो कुरैश ने आके जो है वो अब्दुल्ला को छुड़ा लिया, कहा नहीं हम ये काम नहीं होने देंगे अपने यहाँ, आप जो है वो इसका कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कीजिए इस मन्नत को पूरी करने का। तो अब्दुल मुत्तलिब ने सजेशन मांगा कि तुम लोग सजेशन दो कि क्या इसका दूसरा क्या उपाय हो सकता है। तो बताया गया, कुरैश ने बताया कि यसरिब में एक काहिन औरत रहती है, एक यानी रिलीजियस प्रीस्टेस कह लीजिए आप, वो रहती है यसरिब। यसरिब मदीना का ओल्ड नेम था। तो वहां हम लोग चलते हैं, उससे सोल्यूशन पूछते हैं कि क्या सोल्यूशन है ऐसे मामले का। अब आप देख रहे हैं कि अरब के अंदर कोई फिक्स रिलीजन नहीं है, वो मतलब जो जिसकी तरफ रिलीजियस एसोसिएशन होता, रिलीजियस अथॉरिटी होती, उसको ही वो अपना लीडर तस्लीम कर लेते थे। तो कोई ऐसा फिक्स शरीयत और दीन नहीं था, और बिदात और खुराफात बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है कुरैश का काफिला वहां पहुंचा उस औरत के पास, और उस औरत ने सजेशन ये दिया, यसरिब की उस औरत ने सजेशन ये दिया कि ये वाकया भी असीरा नबविया, इमाम इब्न कसीर रहमुल्लाह की किताब है सीरत के ऊपर, उसकी पहली जिल्द में वाकया मेंशन है डिटेल के साथ। तो उसने उसने सजेशन ये दिया कि आप जो है वो दो लॉट्स ड्रॉ कीजिए, और उन लॉट्स में एक तरफ 10 कैमल का नाम लिख के रखिए, 10 कैमल्स का एक लॉट बनाइए, एक लॉट में अब्दुल्ला का नाम रखिए, और लॉट को यानी उड़ाइए जैसे हम लोग करते हैं ना कि वो कागज की चिट बना के उड़ाते हैं, और उसमें जिसका नाम आ जाएगा, अगर अब्दुल्ला का नाम आ गया तो 10 ऊंट और बढ़ा दीजिए, अगर ऊंट का नाम आ गया तो जितने ऊंट उसमें लिखे होंगे उतने ऊंट जो है आप ज़बह कीजिएगा अल्लाह की राह। तो ये मामला होता रहा इस तरह से, जो लॉट ड्रॉइंग का मामला हुआ, लगातार 10 बार अब्दुल्ला का नाम आता रहा। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत थी कि वो मतलब यानी कि लॉट भी जो बार बार अब्दुल्ला का नाम ही आता रहा, यहाँ तक कि जब 100 ऊंट पूरे हो गए तो फिर जाके जो है वो कैमल्स का नाम आया उसमें। तो कुरैश ने और उस औरत ने ये सजेस्ट किया कि अब आप जो है वो अब्दुल्लाह के नाम पे 100 ऊंट जो है वो जबा करें और तमाम गरीबों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी। अब उनका जो कस्टम था, उनका जो रिलीजन था, उस हिसाब से वो काम करते रहे। तो उसके बाद मामला ये हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट जबा की और कुरैश को और तमाम लोगों को दावत दी, और यानी अरब के दूसरे कबाइल को भी दावत दी कि आप लोग आए इसमें से, जिसको जितना जी चाहे खा लें और जिसको जितना जी चाहे ले जाएं। ये बहुत बड़ी यानी समझ लीजिए कि वेल्थ लगा होगा, 100 ऊंट बहुत ज्यादा कीमत होती है अरब के अंदर, और फिर उसके जरिए जो है गोश्त के डिस्ट्रीब्यूशन का काम चला। तो इस तरह अल्लाह ताला ने एक बार अब्दुल्ला को उस पोजीशन पे डाला, और फिर वहां से अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला को महफूज फरमाया। तो ये भी अल्लाह ताला की प्लानिंग का एक हिस्सा था, जैसा कि बाज रिवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दो जबीहों का की औलाद हूँ, दो जबीहों की औलाद हूँ। एक इस्माइल अलैहि सलाम भी जबह होने जा रहे थे, अल्लाह ने उनको महफूज फरमाया। दूसरा हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद मोहतरम थे, वो भी जबह होने जा रहे थे और अल्लाह ने उनको भी महफूज फरमाया। तो ये जो वो थी अब्दुल मुत्तलिब की, जो अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी, वो इस तरह पूरी हुई। तो दो मेजर वाकयात आपके सामने आ गया। पहला पहला वाकया ये था कि जमजम की रीडिस्कवरी और उसमें अब्दुल मुत्तलिब की लीडरशिप और जमजम की ओनरशिप। दूसरी ये कि अब्दुल मुत्तलिब ने जो वो की थी उसको पूरा करने का एक वे आउट जो है वो हमारे सामने आ गया। हाउ डिड मुस्लिम यूज टू परफॉर्म हज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब? देखिए अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में एज सच मुस्लिम्स थे नहीं, लेकिन जो भी थे जिनके अंदर भी थोड़े बहुत दीन इब्राहिमी बचा हुआ था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, या जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के थोड़े बहुत दीन को जानते थे, वो अपने तौर पे जिसको जो समझ में आता था वो कर लेते थे। चंद जो हज की रसूमात थी, जो गलत रस्में आम हो गई थी अरब के अंदर, उसका जिक्र हमने 6ठे या 7वें लेक्चर में किया था। वो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप उसको अगर सुन लें तो वो मामला समझ में आ जाएगा कि हज के अंदर जो रिचुअल्स थी वो कैसे होती थी। लेकिन चंद अच्छे लोग भी थे जिनके अंदर दीन इब्राहिमी के उनसुर बचे हुए थे, तो वो काबे के खिलाफ पकड़ के दुआएं करते रहते थे कि अल्लाह ताला जो है हमें सही दीन सिखा दीजिए, हमें इल्म नहीं है, हमें जो हमारे दरमियान अपना नबी भेज दीजिए, है ना, हिदायत के रास्ते हमारे लिए आम कर दीजिए। तो ये सारी चीजें होती थी, ऐसे लोग मौजूद थे लेकिन बहुत कम थे तादाद में। ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो बहुत से ऐसे रिचुअल्स इंक्लूड कर चुके थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के नाम पे, जो कि हकीकतन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में नहीं थी। तो ये सारी बातें हैं, ये मामला आपको समझ में आ गया कि इस तरह अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला को महफूज फरमाया। अब हम अब्दुल मुत्तलिब के, मैं बता चुका हूं कि उनके मेजरली 12 बेटे थे, लेकिन 5 मशहूर बेटे रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब के, उनका जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं। सबसे पहले अब्दुल्ला, यानी ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं किया है,
मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं किया है, क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानना अभी जरूरी नहीं है आपके लिए। जो चीज जरूरी है ये कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। तो इन पांचों बेटों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो 12 या 13 बेटे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पांच हैं जिनका जिक्र सीरत में हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा। उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट अब्दुल्ला है, जाहिर है हुजूर के वालिद मोहतरम है, ठीक है। लेकिन इनकी वफात जो है 25 साल की उम्र में ही हो गई थी, इनकी शादी के कुछ महीनों बाद ही, गालिबन 6 महीने या साल भर के बाद ही इनका इंतकाल हो गया था। और हुजूर की पैदाइश के जमाने में, बाद रिवायतों के मुताबिक पैदाइश से कुछ महीनों पहले, और बाद के मुताबिक जब हुजूर की पैदाइश हो गई है, जब हुजूर 6 महीने के थे, तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। प्लीज सजेस्ट मी अ बुक बेस्ड ऑन, अच्छा मैं लास्ट में रिकमेंड कर दूंगा। दूसरे मशहूर बेटे अब्दुल मुत्तलिब के अबू तालिब हैं। अबू तालिब का जिक्र बार 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 सीरत में बहुत दफा आएगा। हजरत अब्दुल्ला का उतना जिक्र नहीं आएगा जितना अबू तालिब का आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम की बड़ी मदद की। अगरचे अफसोस की बात यह है कि इनकी मौत भी कुफ्र की हालत पे हो गई, शिर्क की हालत पे हो गई, लेकिन दुनियावी एतबार से इस्लाम की नुसरत और इस्लाम के सपोर्ट और इस्लाम के प्रोटेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आगे हम इंशाल्लाह इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तीसरे बेटे जो हैं अब्दुल मुत्तलिब के, अबू लहब। अबू लहब डिस्पाइट बीइंग दी चचा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे होने के बावजूद, ही वाज वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम आफ्टर यानी कि अबू जहल के बाद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के बाद, अबू लहब जो हुजूर के सबसे बदतरीन दुश्मनों में से एक था, जिसके जिक्र जो है अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, तब्बत यदा अबी लहब व तब सूरह जो लहब है उसके अंदर, और उसका तज़किरा हम अपने वक्त पे कर लेंगे। तो अबू लहब को बहुत नेगेटिव लाइट में रखना है, क्योंकि ये बहुत शदीद दुश्मन हुजूर का था, और इसने हुजूर को बहुत अजियतें और परेशानियां दी हैं नबूवत के बाद, जाहिर है नबूवत के बाद। चौथे हैं अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। अब्बास जो थे, हजरत अब्बास, ये देखिए बाज़ लोग इनको अब्दुल्ला से बड़ा कहते हैं, और बाद हिस्ट्री की किताबों में इन्हें अब्दुल्ला से छोटा कहा गया। मेरी अपनी राय यह है कि ये अब्दुल्ला से बड़े हैं, जैसा कि इमाम इब्ने कसीर रहिमुल्लाह ने अपनी असीरा नबविया में मेंशन किया, ये अब्दुल्ला से बड़े हैं। वल्लाहु आलम, ये चूंकि इस्लाम से पहले की हिस्ट्री है, इसलिए इसके बारे में हम 100% श्योर होकर नहीं बता सकते। इनको अभी हम मानेंगे कि ये अब्दुल्ला से बड़े थे, हजरत अब्बास, और ये इन्होंने शुरुआती दौर में इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन जंग बद्र के जमाने में इन्होंने इस्लाम जो है कबूल कर लिया था, और हुजूर के बहुत, यानी जब ये इस्लाम इन्होंने नहीं भी कबूल किया था तो भी हुजूर के बहुत बड़े सपोर्टर्स में से एक थे। खुसूसन अबू तालिब के इंतकाल के बाद जो है अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एट दैट टाइम ही वाज नॉट मुस्लिम, बट ही सपोर्टेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा, और फिर जंग बदर के मौके पर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सहाबी हैं और काफी मुअज्जज सहाबी हैं, बहुत इज्जत का मुकाम इनको हासिल है, हुजूर के चचा हैं, और इनसे ज्यादा मशहूर इनके बेटे हुए हैं असल में, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, ये इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। ये असल में बहुत मशहूर हैं, दुनिया की कोई भी तफसीर की किताब, कुरान की तफसीर की किताब आप नहीं पढ़ेंगे, मगर उसमें आप अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के स्टेटमेंट्स जरूर पाएंगे, क्योंकि जिनको कहा जाता है मुफस्सिरुल उम्मा, यानी इस उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर के तौर पे इनके बेटे को माना जाता है, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत मशहूर सहाबी हैं, जिनको बहरुल इल्म भी कहा जाता है, यानी इल्म द ओशन ऑफ नॉलेज, बहुत मशहूर हैं इनके बेटे, इनसे ज्यादा मशहूर हुए अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा इनके बेटे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, बहुत बड़े आलिम, कुरान के बहुत बड़े आलिम, हुजूर ने इनके बारे में दुआ फरमाई थी, तो वाकई अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की, और इन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो है वो समझ लीजिए कि तमाम तफासिर की किताब में आपको जो है उनका जिक्र मिल जाएगा। पांचवें फेमस सन है अब्दुल मुत्तलिब के, हजरत हमजा। हजरत हमजा का जिक्र भी सीरत में आगे काफी तफसील से आएगा। हजरत हमजा वॉज वेल नोन फॉर हिज ब्रेवरी, मतलब यानी शुजात में, बहादुरी में, मजबूती में, फाइटिंग स्किल में हजरत हमजा का कोई मुकाबला नहीं है, और तमाम सहाबा कराम में शुजात के मामले में हजरत हमजा से ऊपर कोई नहीं। और यही वजह है कि हजरत हमजा चूंकि शहीद हो गए थे जंग उहद में, इसलिए इनका तज़किरा आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा सीरत की किताबों में, क्योंकि ये अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम में ही, यानी नॉट अर्ली बट मिड पीरियड ऑफ इस्लाम में ये शहीद हो गए थे जंग उहद के अंदर। लेकिन जब तक जिंदा रहे, इनकी बहादुरी, इनकी कुव्वत, इनकी शुजात, है ना, इनकी मर्दानगी बहुत मशहूर थी, तो इनके बारे में भी आगे हम तज़किरा करेंगे, और इनके इस्लाम लाने का भी तज़किरा हम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी इंशाल्लाह अपने वक्त हम करेंगे। दीज आर द फाइव मेजर सन्स, द फाइव मोस्ट फेमस सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब। इनका नाम आप याद रख लें, किसी भाई का ऑडियो ऑन हो गया है, ऑडियो ऑफ कर लें तो ज्यादा मुनासिब होगा।
ऑडियो जिस भाई का भी ऑन हो गया है वो अपना ऑडियो ऑफ कर लें। जी तो ये पांच जो चचा, ये इसमें से चार जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हुए और अब्दुल्ला आपके वालिद हुए। अब हजरत अब्दुल्ला की शादी जो है बीबी आमना से होती है। इस शादी का तस्किरा करके इंशाल्लाह आज हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। ये आमिना जो थी, बीबी आमिना जो है वो कबीला बनू जोहरा से इनका ताल्लुक था। बनू हाशिम से पैरेलली एक और कबीला था, वेरी रिस्पेक्टेबल कबीला। और हजरत आमिना अपनी शराफत के लिए जानी जाती थी, बहुत बहुत ज्यादा शरीफ खातून थी, बहुत इज्जतदार थी। और यानी अरब में बहुत कम औरतें थी जो लिखना पढ़ना जानती थी, उनमें से एक हजरत आमिना भी थी। और यानी शराफत में तो कोई उनकी सानी नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सिर्फ अच्छा, कहां पे से आवाज नहीं आ रही थी, मतलब किस पॉइंट पे आवाज बंद हो गई थी? जी, चलिए। तो इंशाल्लाह ये पांचों बेटों का जिक्र बार बार आएगा सीरत के अंदर। इन पांचों का नाम आप याद रखें और आगे चलते हैं। तो अब हम ये लास्ट इंसिडेंट है जो आज हम जिक्र करेंगे, हजरत अब्दुल्ला की शादी बीबी आमना से। तो बीबी आमना वॉज वेरी रिस्पेक्टेबल वुमेन, और अरब के अंदर बहुत कम खवातीन ऐसी थी जो लिखना पढ़ना जानती थी, उनमें बीबी आमिना थी। अपनी शराफत के लिए है ना, और अपने हुस्न अखलाक के लिए और अपने बुलंद खानदान के लिए जानी जाती थी। तो इनका ताल्लुक बनू जोहरा से था। और ये वहब इब्ने अब्दुल मनाफ, वहब कौन थे? ये हाशिम के भाई थे, वो ये अब्दुल मुत्तलिब के चचा की, यानी अब्दुल मुत्तलिब के चचा की पोती हुई एक तरह से, आप यूं समझ लीजिए। तो इनसे यानी क्लोज रिलेटिव रही अब्दुल्ला की, और इनसे शादी जो है हजरत अब्दुल्ला की हुई बीबी आमिना के साथ। और ये शादी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शादी के नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, लिहाजा ये बहुत मुअज्जज और बहुत इम्पोर्टेंट शादी रही है इस्लामी इसमें। और अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बारे में सीरत की किताबों में ज्यादा डिटेल मौजूद नहीं है, आपको बिल्कुल मैं ऑनेस्टली एक बात बता दूं, क्योंकि यानी अब्दुल मुत्तलिब के बारे में ज्यादा डिटेल्स मौजूद है सीरत की किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में। हाशिम के बारे में ज्यादा डिटेल्स मौजूद है, लेकिन अब्दुल्ला के बारे में, हजरत अब्दुल्ला के बारे में डिटेल्स कम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी बहुत कम उम्र में वफात हो गई थी। अल्लाह ताला ने इनको जिस काम के लिए पैदा किया था, वो काम इनका जैसे ही पूरा हो गया, अल्लाह ने इनको अपने पास बुला लिया। इनका काम यह था कि हुजूर की पैदाइश इनके जरिए होनी थी। और जब बीबी आमिना से इनकी शादी हुई तो कुछ महीनों बाद ही इनका इंतकाल हो गया। ये सफर पे गए हुए थे, यसरिब गए हुए थे। अब ये भी देखिए अल्लाह ताला को का कनेक्शन देखिए कि इनकी मौत यसरिब में हुई है। यसरिब इज गोइंग टू बी द फ्यूचर मदीना, मदीना का पुराना नाम यसरिब था। तो जब ये यसरिब गए हुए थे ट्रैवल करने के लिए अपने ट्रेड रीजन से, तो वहां इनकी तबीयत खराब हुई और यसरिब में ही इनका इंतकाल हो गया, वहीं इनको दफना दिया गया। तो गोया कि अब्दुल्ला की बहुत कम उम्र में ही वफात हो गई, लेकिन जब ये जवान थे तो यानी कई ज्यूइश यानी यहूदी खवातीन ने इनके पास अपना निकाह का पैगाम भेजा था, क्योंकि कई यानी एक मदीना में एक यहूदी खातून रहती थी जिसने जब अब्दुल्ला को देखा था तो कहा था कि मैं तुम्हारे चेहरे पे नबूवत के नूर को देख रही हूँ, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि या तो तुम नबी बनाए जाओगे या तुम्हारा बेटा नबी बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसने जो है निकाह का प्रपोजल रखा, तो अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला ने मना कर दिया कि मैं अपने वालिद से पूछे बगैर निकाह नहीं कर सकता। तो फिर उसने जो है गुनाह की दावत दी कि चलो ठीक है, तुम निकाह नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ जो है वो ये मामला कर लो ताकि जो है वो हमारी ही औलाद जो है नबी बने। अब देखिए उस औरत की ख्वाहिश क्या थी कि मेरे ही औलाद जो है वो नबी बने, और चाहे तो इसके लिए मुझे गलत काम करना पड़े। अल्लाह ताला कभी भी ऐसे खानवादे में नबूवत नहीं भेज सकता। तो हजरत अब्दुल्ला ने बिल्कुल क्लियरली वहां पर कह दिया कि मेरे लिए मर जाना ज्यादा मुनासिब है रेदर देन कि मैं इस तरह की गलीज हरकत करूं। तो यहां हम देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला नबी भी नहीं थे, और एज सच उस तरह दीन इब्राहिमी पे थे भी नहीं जिस तरह एक्चुअल में दीन इब्राहिमी था। इसके बावजूद शराफत और किरदार की मजबूती और शख्सियत में पुख्तगी उनके अंदर मौजूद थी। बहरहाल इस वाकये के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह जो है वो अब्दुल्ला का बीबी आमिना से करा दिया, और इस वाकये के जरिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बाब जो है इस्लामी तारीख का क्लोज हुआ। तो अब हम एक इंसिडेंट बचता है जो अब्दुल मुत्तलिब की लाइफ का लास्ट इंसिडेंट होगा, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम जो
एलिफेंट वाली स्टोरी है, अस्हाबुल फील वाले वाकयात हैं जिसके जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अलम तर कई फफाल रब्बु कभी अस्हाबुल फील में किया है, उसका जिक्र हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज हमने जमजम की रीडिस्कवरी पढ़ ली, आज हमने अब्दुल मुत्तलिब के वो जो उन्होंने किया था, मन्नत जो उन्होंने मानी थी कि अपने हम बेटे को आपकी राह में कुर्बान करेंगे अल्लाह, उसका तफसीली तस्करा पढ़ लिया। अब्दुल्लाह को अल्लाह ने कैसे बचाया इसका भी तफसीली तस्करा पढ़ लिया। फिर हमने हजरत अब्दुल्लाह का निकाह, हजरत अब्दुल्लाह की शादी बीबी आमिना से जो हुई उसका भी जिक्र हमने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्न पे हम अब्दुल मुत्तलिब की लाइफ की और हुजूर की पैदाइश से पहले का आखिरी वाकया पढ़ेंगे, वो स्टोरी ऑफ फील है, स्टोरी ऑफ एलिफेंट्स है, और ये वाकया जो है हुजूर की पैदाइश से 50 दिन पहले का है। 50 डेज उसी साल हुआ जिस साल हुजूर पैदा हुए, और 50 डेज पहले हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 50 दिन पहले का ये वाकया है, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टर्न पे। और उसके बाद हम हुजूर की पैदाइश की स्टडी यानी हुजूर की जो एक्चुअल जिंदगी है, जिस जो हमारा पर्पस है, वो इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस चीज़ को दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। मैं आपके सवालात अब इंशाल्लाह ले लूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।